हाय गाइस, तो मैं भी लेके आ गई हूँ। ये है डोसा तवा, देखते हैं ये कैसा रहेगा। वैसे तो आपको वंडर शेफ का नाम ही काफ़ी होगा, क्योंकि ये है संजीव कपूर सर का ब्रांड और इनके प्रोडक्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। चाहे आप मिक्सर देख लीजिए या ग्राइंडर, सभी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ सारिका, आप देख रहे हैं किचन रेसिपी बाय सारिका। यहाँ पे जो ये तवा है, ये इमोनी डोसा तवा है, 26.5 सेंटीमीटर में आता है और ये संजीव कपूर सर का है। 5 साल की वारंटी के साथ आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसमें रोटी, डोसा और भी चीज़ें इसमें बना सकते हैं। ये कौन कौन सरफेस पे यूज़ होगा, ये इलेक्ट्रिक गैस और कॉनकेव सरफेस पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको, तवे को। चलिए इस बॉक्स की अब अनबॉक्सिंग कर देते हैं। तो ये वंडर शेफ का जो डोसा तवा है, खुलने के बाद कैसा दिखता है आपको दिखाती हूँ मैं। और इसके सारे ही प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे आते हैं वंडर शेफ के। मेरे पास मिक्सर ओपन करने के बाद ये तवा आपको इस टाइप से कुछ दिखेगा। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पॉलीथीन में पैक करके यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में ये जो वारंटी कार्ड है उसकी क्या वैल्यू है, ये अगर कोई दिक्कत आती इन 5 सालों में, आपको कोई भी ख़राबी आती है तो ये चेंज करके देंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो आप ये वारंटी कार्ड संभाल के रखें, इसमें आप अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर फिल करके संभाल के रखें। और यहाँ तक कि जो अमेज़ॉन का से आप परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आपकी 5 साल की वारंटी का वहाँ पे आपको सर्टिफाई करके देता है, तो वहाँ भी देख सकते हैं जब आप ऑनलाइन अगर परचेज़ करेंगे। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको हमेशा कोई दिक्कत हुई तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। बाद में ये खुलने के बाद कुछ इस टाइप से आपको देखेगा। साथ में ये एक वुडन हैंडल मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी दी हुई है, अच्छे से पकड़ में आ रहा है, ग्रिप अच्छी है इसकी, तो आप इजीली इस पर काम कर सकते हैं। और आपको लगेगा कि ये तवा बहुत लाइट वेटेड है, तो ऐसा नहीं है, ये काफ़ी थोड़ा सा हैवी है, शायद 2 या 3 kg का ये आपको ये तवा है। हैवी क्वालिटी का तवा आपको मिल रहा है ये। इस पे आप अगर डोसा बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा क्रिस्पी डोसा आपका बनेगा। और मैं तो आपको ये कहूँगी इस तवे पे आप डोसा ही बनाइएगा, क्योंकि एक ही चीज़ ये बनाया गया है, डोसा तवा। तो आप डोसा बना सकते हैं, आप पराठा भी बना सकते हैं। और आप बैक साइड देखेंगे कि यहाँ पे भी ही सील लगी हुई है वंडर शेफ की और यहाँ लिखा हुआ है 26.5 सेंटीमीटर। जब भी आप अमेज़ॉन से परचेज़ करते हैं तो ये कुछ बातें आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट है कि नहीं, इसके लिए आपको पूरी चीज़ों को चेक करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैक साइड मेन जो सील जहाँ पे लगी रहती है, वारंटी कार्ड, ये सब चेक करना चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे चलिए इसकी MRP की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि ये इसमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये गैस, इंडक्शन और कॉन्केव यूज़ का है, और परचेज करने के बाद आप 24 आवर्स के बाद इस पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस पर आप इसकी सर्विस ले सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडक्शन फ्रेंडली है और यहाँ पे आपको वुडन एक हैंडल मिलेगा। MRP की अगर बात कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा मुझे दिख नहीं रहा है, आपको मैं स्क्रीन पे शो कर दूँगी कि एक्चुअल प्राइस इसकी कितनी है। शायद 2100 समथिंग की है प्राइस, और रियली में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जल्दी इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी डोसा बना के, तो ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को, जिससे मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूं। तो मिलते हैं कुछ इसी टाइप से नए वीडियो के साथ, और ध्यान रखिए अपना और अपने घर वालों का।